आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान चुनाव में इस बार बने हैं कई रिकॉर्ड। तीसरे मोर्चे में किसी दल को 3% वोट तो किसी को नोटे से भी कम मिले हैं वोट। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार जो है कई नए रिकॉर्ड बने हैं, कई टूटे भी है। एक तरफ जहां रिवाज कायम रहा वही दूसरी तरफ जो है बसपा को कम वोट मिले जबकि नोटा को लगभग 4 लाख मत मिले। वही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को एक ही सीट पर जो है इस बार आ पाई है। खुद पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को जीत मिली है। बसपा के सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जो है इस बार जीत कर चुनाव यहां पर जीत कर आए हैं। वही चुनाव जो है यहां पर चुनाव से कुछ महीने पहले जो है राजनीतिक पार्टी बनी भारत आदिवासी पार्टी के कुल 3 विधायक जो है यहाँ पर इस बार चुनाव जीते हैं। वही आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट जो है राजस्थान के अंदर मिले हैं जबकि निर्दलीय को यहाँ पर 11% मत जो है इस बार मिले हैं। वही 8 निर्दलीय चुनाव जीतकर इस बार आए हैं। वही भाजपा और कांग्रेस में मत प्रतिशत में कोई ज़्यादा अंतर इस बार नहीं रहा। 2% के आसपास जो है मतदान यहाँ पर प्रतिशत में अंतर जो है देखने को मिला। वही हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को कुल जो है 2.39% मतदान यहाँ पर जो है वोट जो है वो मिले। वही आरएलपी की एक सीट इस बार आई है लेकिन मत जो है उसमें यहाँ पर टोटल 9,46,000 मत यहाँ पर मिले। वही भारत आदिवासी पार्टी को 13% यहाँ पर जो है मत मिले हैं, 13 लाख वोट जो है उन्हें मिले हैं। वही बसपा को जो है 1.2% जो है जो मत जो है मिले हैं जबकि 7,21,000 के आसपास मत इनको यहाँ पर मिले हैं, 2 सीटें मिली। इसके अलावा सीपीएम को 3,82,000 के आसपास मत जो है वो मिले। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी कई पार्टियों को जो है वोट जो है कम ही यहाँ पर रहे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में इस बार जो है कई सीटों पर थर्ड फ्रंट के प्रत्याशी निर्दलीय ने भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों को चुनाव में उनका हार जीत का जो गणित जो है बिगाड़ दिया। वही बायतू और साचौर में थर्ड फ्रंट और निर्दलीय दूसरे स्थान पर रहे और जीत भी मिली। ऐसे में अब यहां पर इनके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा नज़र जो है बनी हुई है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बढ़ रहा है ठंड का असर। सीकर रहा है सबसे ठंडा, 3.8 दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। ठंड का असर जो है राजस्थान में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के सीकर जिले में इसका असर देखने को मिल रहा है। सीकर में न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। बीते दिन की तुलना में यहाँ पर कल अगर तुलना की जाए तो इसमें 7 डिग्री की गिरावट आई है, 0.7 डिग्री की। वही मौसम विभाग के अनुसार जहाँ कल जो है सीकर में न्यूनतम तापमान 4.7 था वही कल जो है परसों जो है यहाँ पर 4.5 था, कल जो है 3.8 दर्ज किया गया। सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। वही ठंडी हवाओं की रफ्तार बढ़ने से गलन अब महसूस हो रही है, इसी कारण तापमान में अचानक यहाँ पर गिरावट को देखने को मिल रही है। यानी इतनी गिरावट जो है इसके कारण जो है राजस्थान में सब कुछ देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के चलते अभी ठंड का असर जो है और बढ़ेगा। अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में मौसम ड्राई होने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वही ठंड बढ़ने का असर ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। खेतों में ओस की परतें जमी हुई है। वही ठंड के असर के चलते लोगों ने अब अलाव का सहारा राजस्थान में लेना शुरू कर दिया है। यानी लोग जो है अब अलाव का सहारा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। वही राजस्थान में आगामी दिनों में जो है ठंड जो है इसमें बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक आगे आने वाले महीने के अंदर जो है राजस्थान में जो है ठंड जो है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल कुछ शहरों में राजस्थान में सुबह के वक्त अब कोहरा भी जो है वो देखने को मिल रहा है। आगामी दिनों में जो है कोहरा और ठंड दोनों के यहाँ पर जो तेजी जो है इसमें यहाँ पर आने लगेगी और ठंड जो है बढ़ने वाली है। वह नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद जो है ठंड में यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी।